मुस्लिम समाज हिंगनघाट द्वारा उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया। गजापुर विशालगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार, मस्जिदों में तोड़फोड़, धार्मिक ग्रंथों का अपमान के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। गाजापुर विशालगढ़ में अतिक्रमण को लेकर प्रदेश में कुछ संगठन नेता हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देने के बाद भी प्रशासन बेखबर रहा। पुलिस अधिकारियों, कलेक्टरों, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व नियोजित योजना के तहत लोग कुदाल, फावड़े, हथौड़े लेकर आए। गाजापुर की मुस्लिम बस्ती में घरों को लूटा गया, महिलाओं को पीटा गया, वाहनों और मस्जिदों की तोड़फोड़ की गई, धार्मिक पुस्तकों का अपमान किया गया। जब यह सब रहा था तो मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारी तमाशबीन की भूमिका में रहे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। इस घटना को लेकर हिंगनघाट के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया गया और मुस्लिम समुदाय ने जांच की मांग की। इस पूरी घटना की SIT जांच कर कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी निंदनीय हरकत कर भारत की छवि धूमिल करने वालों के साथ उनके नेताओं और संगठन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ितों को पूरी सुरक्षा और क्षति के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। उपरोक्त सभी मामलों पर विचार कर न्याय देने की मांग की गई है। आज विशालगढ़ कोल्हापुर में जो इंसिडेंट हुआ है, संभाजी ब्रिगेड के नाम पर कुछ लोगों ने वहां की मस्जिदें, मुसलमानों की बस्तियों को टारगेट बनाकर अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई की है, हम पूरे शहर के माध्यम से, पूरे हिंगनघाट के मुस्लिम समाज के माध्यम से महाराष्ट्र में हुई इस घटना का तीव्र निषेध करते हैं और उनको खुली तौर पर चेतावनी देते हैं कि वो सुधर जाए, ये हरकतें बंद करे, बार बार मुसलमानों का टेस्ट लेना बंद करे। सरकारें अगर उनको प्रोत्साहन देती है तो सरकारों ने भी सोचना, सामने विधानसभा के चुनाव है जिसके लिए वो ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। ये अतिक्रमण के काम निकालना करना ये किसी संस्था या आम शहरी का काम नहीं है। ये इसके लिए सरकार ने बाकायदा प्रशासकीय यंत्रणा रखी है। अगर आप वहाँ गलत है तो उनको नोटिस दे, उनसे चर्चा करे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करे। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि मस्जिदों पे चढ़कर, बाबरी शहीद हुई उस तरीके से अब हम दूसरी कोई मस्जिद शहीद होने नहीं देंगे। हम हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई चलता, आइंदा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपने कानों में ये बात रख ले कि आने वाले समय में हम उनके ऐसे किसी भी मंसूबे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रिया की प्रक्रिया होगी, ये वो समझ ले। बार बार मुसलमानों का टेस्ट लेना बंद करें। और सरकार से गुजारिश है कि जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने उस मस्जिद को शहीद किया, वहाँ की बस्तियों को तोड़ा, हमारे कलाम पाक की हुर्मती की, बेहुर्मती की, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको कोई राइट्स नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा MPDA जैसी, रासुका जैसी कड़क कार्रवाई करके उनको बंद किया जाए, न कि खुला छोड़ के अभयदान दिया जाए। ये सरकार को इस माध्यम से हमारी खुली मांग है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा शहर जमा है। यही बात हमने ऊपर कही, अभी फिर कह रहे हैं कि आइंदा सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूँ। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि अनरकर की रिपोर्ट।